अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ANS फार्माकोलॉजी कर रहे थे, उसके अंदर पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम होता है। जो पैरासिम्पथैटिक होता है, हमने जो उसकी दो तरह की ड्रग्स होती हैं, कुछ ड्रग्स जो उसको उस सिस्टम को ज़्यादा एक्टिवेट कर रही हैं, ठीक है, और कुछ उसको सप्रेस कर रही हैं, ठीक है। कोलिनोमेमेटिक्स होती हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं। तो अभी जो हम करें वो है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्या मतलब है कि वो पैरासिम्पथैटिक की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करेंगी। तो उसके अंदर आपको बताया था कि पैरासिम्पथैटिक की एक्टिविटी बेसिकली होती क्या है कि वो एसिटाइल को नहीं जाकर रिसेप्टर पे लगती है। कौन से रिसेप्टर्स पे? मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे। तो हमारे पास जो बेसिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, दे आर मस्करेनिक रिसेप्टर्स एंटागनिस्ट। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैंने आपको कुछ बातें पिछली क्लासिफिकेशंस वगैरह पिछली वीडियोस में बताई हैं, वो आप देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ आ रही। अभी आज हमने एक ड्रग करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है और मस्करेनिक रिसेप्टर की वो ब्लॉकर है, दैट इज एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और ये प्रोटोटाइप है ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सो दिस इज़ अ टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन का क्या मतलब है कि ये ब्रेन को CNS को, यानी CNS के अंदर एंटर हो सकती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। तो एट्रोपिन को अब हमने डिस्कस करना है, उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, क्लिनिकल यूज, सारी चीज़ें डिटेल से करेंगे। तो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिएगा वीडियो। सो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, एट्रोपिन के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स वही होंगे जो पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम के ऑपोजिट इफेक्ट हैं, क्योंकि इसने जाके पैरासिम्पथैटिक की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कराना है ना। तो जब पैरासिम्पथैटिक डिक्रीज होगा तो सिम्पथैटिक ओवरड्राइव होगी, तो हमारे पास वो इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। आंखों से स्टार्ट करते हैं। आइज़ पे क्या इफेक्ट होगा? नंबर वन, आइज़ पे पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम क्या कराता है? मियोसिस कराता है। तो एट्रोपिन क्या कराएगी? मिड्रियसिस। नंबर वन मिड्रियसिस कराएगी, एंड नंबर टू ये कराएगी साइक्लोप्लीजिया, ठीक है। मिड्रियसिस प्यूपिल को डायलेट करा देगी, और नंबर टू पर हमारे पास साइक्लोप्लीजिया होगा। साइक्लोप्लीजिया क्यों है कि इसने जाके बेसिकली होता ये है ना कि अकोमोडेशन के लिए जो मसल होता है सीलरी मसल, उसने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, लेकिन अब एसिटाइलकोलीन मस्करेनिक रिसेप्टर पे लगेगी नहीं, मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो जो है अकोमोडेशन नहीं होगी। तो साइक्लोप्लीजिया कहते हैं कि लॉस ऑफ अकोमोडेशन हो जाएगी और इंसान की जो वीएन है वो ब्लर्ड हो जाएगी। तो एट्रोपिन का सबसे पहले आइज़ पे हमने इफेक्ट देखा। आइज़ पे क्या इफेक्ट है? नंबर वन प्यूपिल डायलेशन, एंड नंबर टू साइक्लोप्लीजिया। लेकिन इससे एक इंपॉर्टेंट बात यह कि इसका काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है और 7 से 10 दिन तक ये इसका एक्शन रहता है, तो हम इतना इसको प्रेफर नहीं करते आंखों के अंदर। फिर दूसरा इसका ये हाइपरथर्मिया, ये सिर्फ हम इफेक्ट्स करें। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि राइट डाउन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन, तो उसमें आपने ये चीज़ें लिखनी है। अभी मैं आपको क्लिनिकल यूजेज अलग से बताऊँगी। अच्छा, दूसरे नंबर पर हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्यों ये कराएगी? क्योंकि इसने जाके स्वेटिंग को रोक देना है। जहाँ पर भी एसिटाइलकोलीन ने लगना है रिसेप्टर्स पर, इसने एसिटाइलकोलीन को काम नहीं करने देना। तो स्वेटिंग आपको हो गई सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम कराता है, लेकिन थ्रू एसिटाइलकोलीन कराता है, ठीक हो गया। तो एसिटाइलकोलीन नहीं अपना काम कर पा रही, तो स्वेटिंग डिक्रीज़ हो जाएगी। जब स्वेटिंग डिक्रीज़ होगी तो टेम्परेचर बॉडी का राइज होना शुरू हो जाएगा और हाइपरथर्मिया हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये एडवर्स इफेक्ट के अंदर एक ये पॉइंट आता है। फिर उसके अलावा एट्रोपिन क्या है? ये टैकीकार्डिया कोज करती है। और सबको पता है कि पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम ब्रैडीकार्डिया कोज करेगा, तो पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक होगा तो टैकीकार्डिया हो जाएगा। फिर सिडेशन कोज करेगी, एसिटाइलकोलीन की एक्टिविटी डिक्रीज होगी ब्रेन में, तो सिडेशन होगी। लेकिन अगर एट्रोपिन की ओवरडोज हो जाए ना, तो उसे हेलुसिनेशंस और वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद अगर हम GIT और यूरिनरी सिस्टम की बात करें, तो GIT के अंदर कॉन्स्टिपेशन कराएगी, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन या कह लो मोटिलिटी डिक्रीज़ कराएगी। कॉन्स्टिपेशन की बजाय आप कह लो कि मोटिलिटी डिक्रीज़ कराएगी। और दूसरे नंबर पर यूरिन की बात करें, तो यूरिनरी रिटेंशन कराएगी, ठीक है। हम तब दे सकते हैं जब किसी बंदे को यूरिन की इनकॉन्टिनेंस है, तो ये ड्रग दे सकते हैं। बिहेवियर चेंजेस भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई डोज के अंदर। सो इन समरी, व्हाट आर द एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन इज अ मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट। नंबर वन, इट इज़ अ प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंड इट्स अ टर्शियरी अमीन, सो इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एंटर द CNS। इसीलिए हम इसके CNS इफेक्ट्स पढ़ें कि अच्छा ये सिडेशन कोज करती है या इस तरह के काम करती है। अब इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं? नंबर वन मिड्रियसिस, आंखों के अंदर हमने देखा मिड्रियसिस एंड साइक्लोप्लीजिया कराएगी, ओवरऑल हाइपरथर्मिया करा सकती है, टैकीकार्डिया, सिडेशन, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लिनिकली हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि GIT की मोटिलिटी डिक्रीज़ कराएगी, तो हम इसको एंटी डायरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एंटी स्पेजमोडिक ड्रग किसको पेट में बहुत ज़्यादा, तो एंटी स्पेजमोडिक एंटी डायरियल ड्रग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। एंटी सिक्रीटरी, किसी बंदे की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और वो सब चीज़ें हो रही हैं, तो हम उसको एंटी सिक्रीटरी ये ड्रग दे सकते हैं। फिर उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओवरडोज ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जब होती है, उसकी ओवरडोज होती है, उसमें हम एट्रोपिन दे सकते हैं। ऑप्थेमोलॉजी में भी दे सकते हैं, मिड्रियसिस कराने के लिए या फिर साइक्लोप्लीजिया के लिए।
तो लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका होता है। बाकी इसके क्लिनिकल यूजेस यही आपने याद रखने हैं, एंटी डायरियल, एंटी सिक्रीटरी, एंटी स्पेजमोडिक, और इसके अलावा ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में भी एट्रोपिन होती है, ठीक है, यानी एनेस्थीजिया देने से पहले जो मेडिकेशंस हम देते हैं उनमें भी एट्रोपिन होती है। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशंस करने से पहले हम कर लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट एट्रोपिन के बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आने चाहिए। एट्रोपिन के एडवर्स इफेक्ट क्या हैं? सबसे पहले तो एट्रोपिन देखें इसने क्या करना है, इसने सारी सिक्रीशंस का ताल्लुक किसके साथ है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ ना। सिक्रीशंस में क्या क्या आ जाते हैं, सिलाइवा आ जाता है, स्वेट आ जाता है, लैक्रिमेशन यानी ये टेयर्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो लेकिन अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक हुआ हुआ है बिल्कुल, तो सिक्रीशंस नहीं होगी, तो इंसान ड्राइनेस होगी, उसकी स्किन ड्राई होगी, और स्किन ड्राई होगी, माउथ ड्राई होगा, आइज उसकी ड्राई होंगी, तो ड्राइनेस उससे फील होगी। दूसरे नंबर पे हाइपरथर्मिया ये कॉज कराती है, स्वेट जब नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो टेम्परेचर वहीं बॉडी में रिटेन करता है, तो हॉट और फिर रेड होता है। रेड की रीज़न अभी आगे करते हैं कि जो क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स होती है ना वो डायलेट कर जाती हैं, तो उसकी वजह से रेड हो जाते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन में आपने ये तीन वर्ड्स कभी नहीं भूलें कि एक आप इमेजिन कर लें कि इंसान है जो बिल्कुल उसका मुंह और हाथ सब कुछ लाल हुआ हुआ है, होट बहुत ज़्यादा उसको फीवर है, साथ ड्राई हुई हुई है स्किन, आँखें और मुँह उस तरह से सब कुछ, तो ये एट्रोपिन के एडवर्स इफेक्ट में ये सबसे कॉमन चीज़ें। फिर उसकी थोड़ी सी डिटेल मैंने इन्हीं को थोड़ा सा पॉइंट्स को एलैबोरेट किया नीचे कि ये हाइपरथर्मिया कॉज कराएगा। वेट अ मिनट, ओके, सो ये हाइपरथर्मिया हमारे पास कोर्स कराएगा, स्वेटिंग, सिलाइवेशन, लैक्रिमेशन सब कुछ डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर उसके अलावा अगर हम CVS की बात करें यानी हार्ट की बात करें, तो हार्ट के अंदर मॉडरेट टैकीकार्डिया होगा, किसी ने भी एट्रोपिन का ही थोड़ा बहुत उसको टैकीकार्डिया हो सकता है, लेकिन अगर एट्रोपिन की ओवरडोज हो चुकी है तो उसकी वजह से सवेर टैकीकार्डिया या एरिथमियाज होंगे, ठीक हो गया। फिर एल्डरली की अगर हम अंदर बात करें तो आँखों के अंदर इसने क्या कराना होता है, मिड्रिएसिस करानी होती है, यानी वो जो एंगल है उसको ये डिक्रीज़ करा देता है। ये हमारे पास आयरिस होता है ना, और बीच में ये प्यूपिल होता है, अगर प्यूपिल बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड हो जाए, प्यूपिल बड़ा हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेस होती है वो कम हो जाएगी ना, तो मिड्रिएसिस की वजह से हमारे पास ये स्पेस कम हो जाती है, तो इसी वजह से हम एंगल क्लोयर ग्लूकोमा में ये नहीं देते बिल्कुल भी ड्रग। तो एल्डरली के लिए तो ये ग्लूकोमा कोर्स करा सकते हैं, वो भी एंगल क्लोजर, ठीक हो गया। फिर उसके अलावा इसका साइड इफेक्ट यूरिनरी रिटेंशन है, यूरिन को रिटेन कराएगा, कॉन्स्टिपेशन, यानी जो भी हमने क्लिनिकल यूजेज उसके किए ना वही अगर थोड़े ज़्यादा हो जाएँ तो उसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाएंगे, ठीक हो गया। कॉन्स्टिपेशन कराएगा, ब्लर्ड विजन, एक साइक्लोप्लीजिया को एक यूज़ तो नहीं ना है कि विजन ब्लर हो रही है, तो ये उसका साइड इफेक्ट ही है। तो इसको एक दफ़ा समराइज कर देती हूँ, और सॉरी हमने किया कि एडवर्स इफेक्ट में, एडवर्स इफेक्ट में ये है कि ड्राई, होट, रेड, ये तीन टर्म्स याद करनी है। ड्राई क्यों होते हैं, क्योंकि सारी सिक्रीशन, सलाइवा, लैक्रिमेशन, स्वेट सबको डिक्रीज़ हो जाता है, हाइपरथर्मिया हो जाता है, मॉडरेट टैकीकार्डिया कॉमन है, वेयर सवेयर टैकीकार्डिया तब होगा जब सवेयर टैकीकार्डिया एरिथमियाज तब होगा जब बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो रही है। इसके अलावा यूरिन की रिटेंशन करा सकता है, कॉन्स्टिपेशन करा सकता है, ब्लर्ड विजन, और एल्डरली के लिए एल्डरली के अंदर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा भी कराता है। ये डायग्राम थोड़ी रफ होगी तो मैं दोबारा बताती हूँ। ये हमारा आयरिस है, लेट्स से इसके अंदर ये गैप क्या है, प्यूपिल है। अगर प्यूपिल डायलेट हो जाए, प्यूपिल डायलेट होकर बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल है आयरिस के दरमियान और वो जो होता है, तो ये एंगल डिक्रीज़ हो जाएगा। जब ये एंगल डिक्रीज़ होगा तो उससे आंखों के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ग्लूकोमा एक अलग पूरा टॉपिक है, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन बस इतना आपने याद रखना है कि एट्रोपिन का एडवर्स इफेक्ट है कि वो ग्लूकोमा कोज करा सकती है, आंखों का प्रेशर वो रेज़ कर सकती है, एक्वस ह्यूमर का प्रेशर, क्योंकि वो जगह कम हो जाती है। तो इसीलिए हम इसे, जब किसी बंदे को ग्लूकोमा हो तो हम ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट कर देते हैं। तो ये तो एक जनरल साइड इफेक्ट्स थे ना, पहले तीन टर्म्स ड्राई, होट और रेड हमने की, फिर उसके बाद ये उनकी थोड़ी डिटेल बताई, फिर थोड़े जनरल साइड इफेक्ट बताए कि यानी कि पेरिफेरल सिस्टम्स के मैंने आपको बताए कि GIT में कॉन्स्टिपेशन है, अगर किसी को BPH है यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया तो उसकी यूरिनरी रिटेंशन बहुत ज़्यादा कराएगा, आम बंदे से भी ज़्यादा, ब्लर्ड विजन कराएगा, ग्लूकोमा कराएगा, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं इसके। वेयरएज अगर हम CNS की बात करें तो CNS के अंदर पहले आपको बताया कि सिडेशन, एमनीजिया यानी वो डिक्रीज CNS एक्टिविटी वाले पहले एडवर्स इफेक्ट आएंगे, ठीक है, डिलीरियम। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही ये ड्रग हो गई है, बहुत ज़्यादा इसके वो आना शुरू हो गए हैं इफेक्ट्स, तो ये हेलुसिनेशंस और कन्वर्जेंस भी करा सकते हैं, ठीक हो गया। और CVS के अंदर कार्डियोटॉक्सिक है, एरिथमियाज हैं, और इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहले तो हमने कहा ना टैकीकार्डिया कोज कराएगी, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई तो उससे क्या होगा, कार्डियोटॉक्सिक हो जाएगी, और जो इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन है वेंट्रिकल के दरमियान, वो जो परकिंजे फाइबर्स और वो सब होते हैं, वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, और यहाँ पर कोई और ही मैकेनिज्म होता है
होता है, मतलब मस्क्रीनिक ब्लॉकेट के अलावा भी और कुछ ये कर रही होती है जिसकी वजह से ये साइड इफेक्ट हमें नज़र आता है, तो इसलिए हम इसको ट्रीट भी करना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर स्किन के अंदर ये जो मैंने आपको एट्रोपिन फ्लश बताया था, ये जो रेड स्किन होती है ना, यानी इंसान रेड हुआ उसका चेहरा हाथ पैर सब कुछ रेड रेड से हुए हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि बेसिकली क्यूटेनियस वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स आर्म हेड नेक ट्रंक में, वो सारी की क्या होंगी, उनकी वेजो डायलेशन कराएगा एट्रोपिन। इसका भी मैकेनिज्म अननोन है लेकिन ये क्यूटेनियस वेसल्स की कराएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एट्रोपिन फ्लशिंग होगी। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो अभी आपको साइड इफेक्ट्स बताए ना, ये CNS CVS मतलब ये वाले के, ये कार्डियोटॉक्सिक और एरिदमियाज और एट्रोपिन फ्लशिंग, ये हाई ओवरडोज के अंदर होती है। नॉर्मली इतने ज़्यादा इसके एडवर्स इफेक्ट नहीं होते, नॉर्मली ये वाली चीज़ें होती हैं, ड्राई होटो रेड हाइपरथर्मिया और टेकिकार्डिया माइल्ड हो जाएगा। अगर किसी को BPH है तो उसका यूरिनरी टेंशन होगी, वरना इतनी ज़्यादा नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, विजन ब्लर हो जाएगी, VN तो ब्लर होगी अगर आंखों में डालेंगे तो, और ये चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद अब आपने साइड इफ़ेक्ट्स देख लिए, अब आपको साइड इफ़ेक्ट्स अंदाज़ा हो जाएगा कि हम एट्रोपिन को कॉन्ट्रा इंडिकेट किन किन कंडीशंस में करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि एट्रोपिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, हम उन्हीं कंडीशंस में अगर वो ड्रग दे दें तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि BPH प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर यूरिनरी टेंशन होती है, एट्रोपिन उस यूरिनरी टेंशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक हो गया। तो अगर किसी को BPH है तो हम उसको एट्रोपिन नहीं देंगे, उसका जो डिजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो BPH या किसी को पहले से यूरिनरी टेंशन है तो हम एट्रोपिन नहीं देंगे। GERD के अंदर, GERD वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, उसके अंदर भी एट्रोपिन नहीं देते। उसके अलावा ग्लूकोमा वो भी स्पेशली एंगल क्लोइड ग्लूकोमा के अंदर एट्रोपिन बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फिर उसके अलावा इन्फेंट्स में एट्रोपिन को नहीं प्रेफर किया जाता, बिकॉज ये हाइपरथर्मिया कराएगी, उनको फीवर करा देगी, इसे एट्रोपिन फीवर भी कहते हैं। तो ये एट्रोपिन की 5 कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो एटलीस्ट आपने याद रखनी है, BPH, यूरिनरी टेंशन, GERD, ग्लूकोमा एंड इन्फेंट्स के अंदर जो हाइपरथर्मिया कराते हैं। तो इसको बस आप याद इस तरह से कर लें, वर्ड होता है ना, जैसे हम बग कहते हैं, कीड़े मकोड़े छोटों को बग्स कहते हैं ना, तो ऐसे बग होता है, ठीक है, BUG। तो आप इस तरह से याद रख लें, 2 G लगा लें, BUGG, B फॉर BPH, U से यूरिन टेंशन, G फॉर GERD एंड G फॉर ग्लूकोमा, स्पेशली एंगल क्लोइड ग्लूकोमा, ठीक हो गया। अब ट्रीटमेंट देखते हैं कि अब एट्रोपिन, पहले तो हमने ये बात की कि एट्रोपिन को कहाँ यूज़ करेंगे, अब हम आगे कि एट्रोपिन यूज़ की, ओवरडोज़ हो गई, अब हमने ओवरडोज़ को ट्रीट करना है। तो ओवरडोज़ को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये है कि अच्छा, एक बंदा आया जिसके अंदर एट्रोपिन की ओवरडोज़ हुई है, वो किस तरह का नज़र आएगा? अभी तक आपके माइंड में एक पिक्चर आ गई होगी, उसको स्वेट नहीं आ रहा, बिल्कुल ड्राई स्किन होगी, रेड कलर हुआ उसका होगा ट्रंक का, आर्म, फीट और फेस का, फीवर उसको होगा, टेकिकार्डिया होगा, साथ कन्वर्जन्स, हेलुसिनेशंस, ये सब चीज़ें आ रही होंगी, और मोस्ट प्रोबेबली कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, साथ यूरिन की रिटेंशन भी हो सकती है, अगर आंखों में ड्रॉप्स डालें तो ब्लड विजन होगी, और इसके अलावा क्या हो सकता है, ग्लूकोमा वगैरह, इस तरह की सब चीज़ें। आप इस तरह की एक इमेज बना लें कि एक बंदे को ये सब कुछ हो सकता है एट्रोपिन की ओवरडोज से। अब हमने उसको ट्रीट करना है, तो सबसे पहले हमारे जो मेन टारगेट्स होंगे ट्रीटमेंट के, वो करेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें हम उसको ट्रीट करते हैं, लाइक टेकिकार्डिया को हम ट्रीट करना सबसे पहले प्रेफर करेंगे। टेकिकार्डिया कैसे ट्रीट करेंगे, एट्रोपिन का हम फाइसोस्टिग्मीन से। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना है कि हम यहाँ फाइसोस्टिग्मीन की यूज़ करें, नियोस्टिग्मीन की यूज़ नहीं करें। फाइसोस्टिग्मीन क्या होती है, मस्क्रेनिक रिसेप्टर की एगोनिस्ट होती है, एट्रोपिन एंटेगोनिस्ट है ना, तो ये एगोनिस्ट होती है, तो जब एगोनिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो उसको खुद ही एट्रोपिन रिप्लेस होकर वहाँ पे फाइसोस्टिग्मीन चले जाएगी। तो ये तो बात पुरानी वीडियोज़ में मैंने बताई है, फाइसोस्टिग्मीन पहले हमने पढ़ ली हुई, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप रिवाइज करें। क्वेश्चन ये है कि हम फाइसोस्टिग्मीन क्यों यूज़ करें, नियोस्टिग्मीन यूज़ क्यों नहीं करेंगे, सो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपने मुझे ज़रूर बताना। तो अब ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होती है, जो भी सिम्टम्स हैं हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अगर फीवर है तो उसको रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक्स देंगे और इस तरह की सब चीज़ें। टेकिकार्डिया के लिए हमने फाइसोस्टिग्मीन दे देनी है, हाइपरथर्मिया बहुत ज़्यादा सवेयर होता है एंटीपायरेटिक्स देंगे, वरना नॉर्मली कूलिंग ब्लैकेट्स और एवेपोरेटिंग कूलर्स, और वो जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान में कॉमन है कि बुखार हो तो पट्टियाँ करना, तो ये वो वाली चीज़ है कि कूलिंग ब्लैकेट्स हम देंगे ताकि उसका जो है वो कम हो। तो यहाँ पर मैंने एडवर्स इफेक्ट को एक दफ़ा समराइज़ कर दिया। सबसे पहले एट्रोपिन स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो रेड, ड्राई, होट, ये 3 वर्ड्स आपने नहीं भूलने। फिर उसके अलावा 2 टर्म्स लिखे हुए हैं, एट्रोपिन फ्लश और एट्रोपिन फीवर। एट्रोपिन फीवर तो आपको समझ आ गई कि किसी ने एट्रोपिन खाई, और मोस्टली इन्फेंट्स के अंदर होता है कि उसको हाइपरथर्मिया हो गई, इसे हमने एट्रोपिन फीवर कह देना। एट्रोपिन फ्लश क्या है कि उसका वो जो रेडनेस हो जाती है क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन की वजह से, उसे एट्रोपिन फ्लश कहते हैं। और ये 3 C's मैंने लिखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। 3 C's का मतलब ये है कि किसी के अंदर एट्रोपिन या किसी भी एंटी मस्क्रेनिक ड्रग की ओवरडोज हो जाएगी, जब एंटी मस्क्रेनिक ड्रग की, आगे मैं आपको
कुछ कल की क्लास में बताऊंगी कि इसके अलावा और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनके एंटी मस्करेनिक एक्शंस हैं। तो जो जौन सी भी ड्रग एंटी मस्करेनिक होती हैं जब उनकी ओवरडोज होगी, जैसे एक एंटी डिप्रेशन ड्रग है, आप लोग CNS में पढ़ेंगे, वो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिन्हें हम TCAs कहते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, उनके अंदर भी एंटी मस्करेनिक एक्टिविटी होती है। तो जब भी एंटी मस्करेनिक ड्रग्स की टॉक्सिसिटी होगी तो उनके ये साइड इफ़ेक्ट कॉमन है। ओवरडोज़ की बात हो रही है, एक होता है ना साइड इफ़ेक्ट कि आपने जितनी नॉर्मल डोज ली उतने में भी वो इफेक्ट आएगा, एक होती है ओवरडोज़ के बहुत ज़्यादा खा लिए तब ये होंगे। तो ओवरडोज़ में 3 C's याद रखने, 3 C's, C फॉर कन्वर्जन्स, ठीक है, CNS में हाइपर एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी, दूसरे नंबर पर कार्डियोटॉक्सिसिटी, इसका एट्रोपिन कैसे करती है कि वो वेंट्रिकल्स के दरमियान वाली कंडक्शन रोक देती है, एंड देन कोमा। तो एंटी मस्करेनिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट के अंदर 3 C's, साइड इफेक्ट नहीं बल्कि ओवरडोज के अंदर 3 C's कॉमन है, दैट इज़ कन्वर्जन्स, कार्डियोटॉक्सिक एंड कोमा। ये हमें एक दफ़ा पता नहीं कहाँ क्वेश्चन आया था, शायद ऐसे क्योंकि व्हाट आर द 3 C's ऑफ ओवरडोज ऑफ एंटी मस्करेनिक ड्रग्स, तो ये आपने फिर याद रखना है। अभी आज की क्लास को हम समराइज़ करते हैं, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा ये एट्रोपिन वाला टॉपिक। सो व्हाट इज़ एट्रोपिन? एट्रोपिन इज़ बेसिकली एन एंटी मस्करेनिक ड्रग जो कि मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। इट्स अ टर्शियरी अमीन, इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, एंटर द CNS एंड हैज CNS इफेक्ट्स। व्हाट आर द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स? ब्रेन के अगर हम आइज़ की बात करें उसमें मिड्रियसिस एंड साइक्लोप्लीजिया कराएगी, ओवरऑल हाइपरथर्मिया करा सकती है, टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया, सिडेशन, यूरिनरी टेंशन, बिहेवियरल चेंजेस। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं बल्कि ये बेसिकली हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स हैं। क्लिनिकल यूजेस के अंदर एंटी स्पेसमोडिक है, एंटी डायरियल है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें मिस की हुई हैं, ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पर यूज़ होती है, एंटी मोशन सिकनेस में भी यूज़ होती है, ठीक है, मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए, और भी इसके कुछ यूजेज़ होते हैं। तो ये सारे आपने यूजेज़ देख लेने हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट की ओवरडोज के अंदर हम यूज़ करते हैं। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको बताइए कि आपने बग याद कर लेना है, BUGG, बग के अंदर 2 G डाल देने, BPH, यूरिनरी टेंशन, G फॉर GERD एंड G फॉर ग्लूकोमा, एंड फाइनली इन्फेंट्स के अंदर भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। एडवर्स इफेक्ट के अंदर ड्राई, हॉट, रेड, ये 3 टर्म्स याद कर लेनी है। फिर उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, ब्लर्ड विजन, अगर किसी को BPH है तो उसको ये यूरिनरी टेंशन करा सकती है BPH के अंदर, और एल्डरली के अंदर एंगलग्लोया ग्लूकोमा भी करा सकती है। फिर उसके अलावा CNS के अंदर मैंने बताया कि पहले सिडेशन एमनीजिया वाले सिम्टम्स होंगे और फिर उसके बाद कार्डियोटॉक्सिसिटी वाले होंगे। स्किन के अंदर एट्रोपिन फ्लशिंग हो सकती है, और ट्रीटमेंट में हम फाइसोस्टिग्मिन देते हैं या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एट्रोपिन। और एक लास्ट आपको पॉइंट बताया कि जितने भी एंटी मस्करेनिक अफेक्ट जिन ड्रग्स में भी होगा, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका बिल्कुल और यूज़ है, जैसे मैंने आपको एक एंटी डिप्रेशन बताई, लेकिन उनके अंदर भी एंटी मस्करेनिक एक्टिविटी होती है, तो उनका भी साइड इफेक्ट ओवरडोज यही होती है, 3 C's, कन्वर्जन्स, कोमा एंड कार्डियोटॉक्सिसिटी। और आपने एक मुझे आंसर बताना है कि हम फाइसोस्टिग्मिन क्यों यूज़ करते हैं, नियोस्टिग्मिन यूज़ नहीं करते हैं।